कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने इस साल की हैं? अगर आपको नहीं पता तो ये गलतियां आपकी जिंदगी बर्बाद करने वाली हैं। एक इंसान की जिंदगी में हर साल इंसल्ट, तकलीफ, गिल्ट और कुछ खुशहाल मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये सब आपके एक्शन से शुरू होता है और जिंदगी के अल्टीमेट रिएक्शन पर खत्म होता है, और ये सब डिपेंड करता है आपके सही और गलत फैसलों पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो इस साल लगभग 90% लोगों ने की होंगी, और बड़ी बात यह है कि इन गलतियों के बारे में उन्हें मालूम भी नहीं है। इसी वजह से उनका अगला पूरा साल भी खराब जाएगा और फिर किस्मत को दोष देते फिरेंगे। इसलिए इस बार इन 5 गलतियों से बचना है ताकि आप बहुत सारी तकलीफों से बच सको। मिस्टेक नंबर 5, ए लॉट्स ऑफ लाइज। साल की सबसे बड़ी और कॉमन गलती है बहुत ज्यादा झूठ बोलना। प्रॉब्लम ये है कि ये गलती बहुत कॉमन है, यानी हर कोई करता है। इस साल लोगों ने बहुत झूठ बोले होंगे, जो सबसे बड़ी गलती है। चाहे वो झूठ अपने क्लाइंट को बोलना हो, अपने पेरेंट्स को बोलना हो, या खुद को ही बोलना हो, लोगों ने झूठ को बहुत जगह बोला होगा। रिश्तों में बोला होगा, काम में बोला होगा, परिवार में बोला होगा, या अपने चाहने वालों में बोला होगा। समस्या ये है कि ये झूठ बार बार सामने आ जाता है। कुछ दिनों के लिए दबा जरूर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते, गायब नहीं कर सकते। तो इस साल आपने इस गलती को तो खूब किया होगा, मगर अब से आने वाले दिनों और महीनों में झूठ को अपनी जिंदगी से खत्म कर दो, वरना ये तुम्हें हमेशा के लिए पछताने पर मजबूर कर देगा। मिस्टेक नंबर 4, सेटिस्फेक्शन। तुम्हें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल पाती, जानते हो? क्योंकि तुम हमेशा थोड़े से में खुश हो जाते हो। जरा सा भी कुछ अच्छा होता है तो पूरी दुनिया में ढोल बजाकर हल्ला मचा देते हो। बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हो, खुद को आराम दे देते हो। अगर एक दिन गलती से ज्यादा मेहनत हो गई तो खुद को अगले 4 दिन तक आराम देते हो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करनी होती है। एक दिन या 2 दिन बहुत ज्यादा आराम कर लेने से लाइफ टाइम के सेटिस्फेक्शन या मोक्स को नहीं पालोगे। गलती यही हो गई कि तुम बहुत जल्दी अपनी मेहनत और अपने ड्रीम से सेटिस्फाई हो गए। ये बड़ी गलती हो गई। एक बात जान लो, जिस राह पर तुम्हारा संतोष पूरा हो गया, वही समझो खेल खत्म हो गया और तुम्हारा सफर पूरा हुआ। इसलिए आज जितने भी तुम सफल लोगों को देखते होंगे, वो लोग थोड़े से में कुछ नहीं होते, बल्कि बार बार और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और यही तुम्हारा अल्टीमेट गोल भी होना चाहिए, क्योंकि छप्पर फाड़कर तभी सोना बरसेगा जब तुम्हारी लगन को देखकर नियति के भी आंसू छलक पड़ेंगे। मिस्टेक नंबर 3, यू वेस्टेड ए लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। समय, पैसा और कोशिश, अगर इन 3 चीजों को जिंदगी कहें तो किसी भी एंगल से गलत नहीं होगा। और दुख की बात यह है कि तुमने इस साल इन तीनों को गंवाया है। पता है क्यों? क्योंकि इस साल अब तक तुमने सोच सोच कर और सोकर बहुत समय गंवाया है। दोस्तों के संग पार्टी में खूब पैसा भी उड़ाया है। इन दोनों के गिल्ट में बार बार अपनी कोशिशों को भी हराया है। अब जरा तुम ही बताओ, जो इंसान इतना हारा हुआ होगा, उसे सक्सेस या हैप्पीनेस कहां से मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। लाइफ के 3 मेन पिलर्स हैं, अगर तुम इन्हें ही कमजोर कर दो तो बेशक जिंदगी झंड होने वाली है। समय से चलोगे तो कभी बेइज्जत नहीं होगे। जेब में पैसा होगा तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने के दिन नहीं आएंगे। कोशिश तगड़ी रहेगी तो हर बार मौके पे चौका मारकर आगे निकल जाओगे। लेकिन इन तीनों को शानदार तरीके से संभव होने के लिए तुम्हें इन तीनों की कद्र करनी आनी चाहिए। माना कि इस साल बेवकूफी और नासमझी में तुमने ढेर सारा समय, पैसा और कोशिशों के बहाव को बर्बाद कर दिया, लेकिन अगले साल का यही लक्ष्य रखना कि जितना समय हो सके बचाओ, जितने पैसे हो सके कमाओ, जितनी कोशिशें हो पाए उतनी कोशिशें करो। मिस्टेक नंबर 2, रेस्पेक्ट इज इन योर हैंड। इज्जत हमेशा खुद के हाथों में होती है, और इंसान जब जन्म लेता है ना, तभी कुदरत उसे इज्जत के 2 बाजू थमा देता है। एक दुनिया की नजरों में तुम्हारी इज्जत और दूसरी तुम्हारी खुद की नजरों में इज्जत। दूसरों के नजरों में इज्जत बनाने और बढ़ाने से पहले तुम्हारे खुद के नजरों में इज्जत होनी चाहिए। लेकिन इस साल भी बहुत से लोगों ने अपने खुद के नजरों में इज्जत को बढ़ाया नहीं, बल्कि घटाया है। तुम्हें पता है एक इंसान कब हारा हुआ महसूस करता है? जब वो खुद के नजरों में 0 होता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा इसलिए क्योंकि वो बार बार खुद से झूठ बोलता है, बहाने देता है, दूसरों को ब्लेम करता है, खुद के अंदर ही घुटने लगता है, छोटी छोटी चीजों से डरने लगता है और हर उस चीज से भागता है जो उसके कंफर्ट सर्कल से बाहर की हो। तो यार, इस साल आपने भी कुछ ऐसा ही करा है, क्योंकि वाकई में इस साल आपने खुद को बहुत बहाने दिए, झूठ बोले, जिससे आप खुद अपनी नजरों में नहीं उठे हो, और इसी वजह से आप दिन ब दिन उम्मीद खोते जा रहे हो। और अगर सिलसिला कुछ इसी तरह चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब जिंदगी वाकई में बहुत बेसुआद और बोरिंग लगने लगेगी। इसलिए इस साल जो एक गलती करी है, अब यहाँ से इस गलती को सुधारो और इस बात को दिमाग में बिठा लो कि इज्जत हमेशा तुम्हारे अपने हाथों में है। मिस्टेक नंबर 1, इन द बिगनिंग यू फाउंड व्हाट बट डिडंट फाइंड व्हाई एंड हाउ। सोनू शर्मा जब संदीप सर के सेशन में आए थे, तो उन्होंने वहाँ एक बड़ी यूनिक और प्रेसियस बात कही थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो बेशक आपको मजा आएगा। उन्होंने बोला था कि मैं आपसे दुनिया का कोई भी डिफिकल्ट काम करा सकता हूँ। अगर मैं आपको 2 बिल्डिंग के बीच लगे खंभों पर चलने के लिए 1 करोड़ रुपए भी दूंगा, तब भी आप ये नहीं करोगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये करवा दूंगा। एक कंडीशन ऐसी होगी जब आपकी बेटी उस दूसरे बिल्डिंग पर होगी जिसमें आग लगी है। अब आपको उस खंभे के सहारे अपनी बेटी को बचाना होगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता आपके पास है ही नहीं।
ऐसे में आप बिल्कुल उस खंभे पर चलकर दूसरे बिल्डिंग पर जाओगे। दोस्तों यही होता है हमारी जिंदगी में। प्रॉब्लम यहाँ लोगों के साथ ये है कि उन्हें क्या करना है ये तो पता है, मगर क्यों करना है और कैसे करना है यही नहीं पता। इस साल की सबसे बड़ी गलती आपने यही कर ली कि आप शुरुआत में इस चीज का प्लान बना बैठे कि वो क्या चीज है जो इस साल आपको करनी है, लेकिन क्यों करनी है और इसे कैसे करना है ये आपको नहीं पता है। अगर ये जवाब आपके दिमाग में गहराई से उतर जाए तो आपको एक्चुअल में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिस तरह आपको पता चलता है कि आपकी बेटी उस दूसरे बिल्डिंग पर है, तो यहाँ आपके जान से बढ़कर आपकी बेटी है, इसलिए आप बिल्कुल उन दो बिल्डिंग्स के बीच लगे खंभे पर चढ़ जाओगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इसकी वजह पता है। तो अब से जब भी शुरुआत करो, क्यों करना है और कैसे करना है, इस बात को हमेशा याद रखो, सफर बहुत आसान हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।